The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। तो क्या है ये सारा एप्पल साइडर विनेगर डाइट? एप्पल साइडर विनेगर यूजफुल है क्या सर? एप्पल साइडर विनेगर से पेट कम होगा क्या? पतले होंगे क्या? क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है? प्लीज 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 बताएं। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको कई सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। क्या होता है एप्पल साइडर विनेगर, उसके रिसर्च क्या है, मिथ क्या है, फैक्ट क्या है। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो भाई सिंपल सा है, एप्पल्स को क्रश करके, डिस्टिल करके, फर्मेंट करके उसमें से बनाया जाता है। बेसिकली विनेगर है जो एप्पल से बनता है, ठीक है। सो एप्पल्स में एसिटिक एसिड और इसके जैसे कंपाउंड्स होते हैं, जो मेन कंपाउंड जो हेल्थ बेनिफिट के लिए माना जाता है ये एसिटिक एसिड है, यानी कि विनेगर किसी भी प्रकार के विनेगर में होता है, एप्पल साइडर विनेगर में भी होता है। और इसके बेनिफिट्स के लिए कोई फिक्स्ड डोसेजेस नहीं है। ज्यादातर लोग एक या दो चम्मच इसको ले लेते हैं खाना खाने से पहले, खाना खाने के साथ, खाना खाने के बाद, या खाली पेट भी लेते हैं कई लोग सुबह सुबह, और दो खाली पेट रिकमेंडेड नहीं है। तो ये करता क्या है? हजारों सालों से विनेगर जैसे कंपाउंड्स को हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए यूज किया जाता था, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज किया जाता था, इवन एंटीबायोटिक जैसे यूज किया जा सकता था, जाता था एज इवन ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी, विटामिन सी डिफिशियंसी के लिए यूज किया जाता था। वाई आज की डेट में कोई भी विनेगर या एप्पल साइडर विनेगर को एंटीबायोटिक के जैसे यूज नहीं करता और यूज करना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसको जो है वेट लॉस के लिए, वजन कम करने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। सो रिसर्च क्या बोलती है, क्या वेट लॉस होता है इससे? एप्पल साइडर विनेगर पे नहीं, एसिटिक एसिड पे कई सारी रिसर्च है, एप्पल साइडर विनेगर पे भी है। तो बात करते हैं पहले रिसर्च की। एसिटिक एसिड के ऊपर रिसर्च, कुछ रिसर्चेस में देखा गया कि ये फैट डिपोजिशन और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। फैट डिपोजिशन कम करता है, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है। ये एक स्टडी की गई थी जिसमें 175 लोगों को 2009 में एप्पल साइडर विनेगर एक या दो चम्मच पिलाया गया था। एप्पल साइडर नहीं, ये नॉर्मल विनेगर था, नॉर्मल विनेगर, नॉट एप्पल साइडर। और 3 महीने के बाद देखा तो उन लोग जो पीते थे उनका 2 से 4 पाउंड, यानी करीब करीब 2 किलो, 1.5 से 2 किलो वजन उनका ज्यादा कम हुआ एज कंपेयर टू जो लोग नहीं पी रहे थे। और कितने दिन में कम हुआ? 3 महीने में। और इवन उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम हुए। ये एक छोटी स्टडी है जो कि बताती है कि यस, एप्पल साइडर विनेगर हेल्प करता है। एक और स्टडी हुई थी जिसमें, और छोटी सी एक स्टडी थी, इसमें बताया था कि इस तरीके का विनेगर जो है आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस, कि पेट भर गया, उसको प्रमोट करती है कि पेट जल्दी भर जाएगा। बट ये पेट भर जाना जो है ये इस तरह प्रमोट करती है कि इसके वजह से आपको नौशिया होता है, उल्टी आने जैसा, इसलिए आप और नहीं खाते। मगर ये दोनों ही स्टडी जो है, इन दोनों में विनेगर की बात हुई थी, एप्पल साइडर विनेगर की नहीं, जो सादा सिंपल विनेगर आपके घर में रखा होता वो विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर भी कोई खास चीज नहीं है, सेम ही चीज है। और रिसर्च क्या बोलती है, 39 सब्जेक्ट्स की एक और रैंडमाइज्ड रिसर्च, असाइंड रिसर्च में देखा गया था कि एप्पल साइडर विनेगर जो उन्होंने लिया विद अ कैलोरी डेफिसिट डाइट और एप्पल साइडर विनेगर के बगैर, 12 हफ्ते के बाद ये देखा गया कि जिन्होंने एप्पल साइडर विनेगर लिया था उनका वजन ज्यादा कम हुआ। मगर 39 लोगों की स्टडी ज्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है। उसके बाद कंक्लूजन वाइज अगर हम ये देखें कि जितने भी दुनिया भर के स्टडीज हैं, एक एप्पल साइडर विनेगर की स्टडी एक ही है, बाकी विनेगर की स्टडी है। सो ओवरऑल देखें तो विनेगर जैसा फायदा देता है, विनेगर डाइजेशन में हेल्प करता है, एंड यस, लेकिन अकेले विनेगर को ऐड करने भर से क्या आपका वजन कम हो जाएगा? ये नहीं है। देयर इज नो रिलायबल लॉन्ग टर्म मींस ऑफ या लूजिंग एक्सेस वेट, अगर उससे बोले कि होगा कि नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा कोई कंपेलिंग एविडेंस नहीं है। हाँ, डाइजेशन में हेल्प करेगा, इट कैन बी एन एडिशनल फैक्टर इन योर डाइट विच यू शुड टेक। आप खाने के साथ विनेगर ले सकते हैं, सिरके वाले प्याज ले सकते हैं, वो आप लेते हैं, दुनिया भर में खाते हैं लोग। एंड विनेगर माइट हेल्प, यू नो, हाई माइट हेल्प प्रिवेंट स्पाइक्स इन ब्लड शुगर, ये एक अच्छी चीज है। कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया है, बाय ब्लॉकिंग स्टार्च एब्जॉर्प्शन। स्टार्च एब्जॉर्प्शन कम करता है तो ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक नहीं होता, तो डायबिटीज कंट्रोल में हेल्प करेगा। सो जो शुगर वाले पेशेंट है उनकी शुगर ज्यादा लो होने का रिस्क हो सकता है, और कम भी उनकी शुगर बेटर भी होगी तो बेटर ही है। सो
प्लस एप्पल साइडर विनेगर को वेट लॉस या बेनिफिट के लिए यूज करने में ऐसा कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं है कि कितने बजे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और कितना आइडियल होगा, उसका कोई एविडेंस नहीं है। बेसिकली इतना जरूर है कि जो विनेगर आप लेते हैं उसे डाइल्यूट करना चाहिए, कोई भी विनेगर हो, एप्पल साइडर हो, नॉर्मल हो, कोई भी विनेगर हो, डाइल्यूट करना चाहिए। ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी, इट्स केमिकली, केमिस्ट्री वाइज देखेंगे तो वीक एसिड है, लेकिन उसकी एसिडिटी इतनी काफी है कि वो आपका टूथ इनैमल डैमेज कर दे। सो टूथ इनैमल पे डायरेक्टली नहीं लगने देना है, उसको डाइल्यूट करके लेना है। अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो उसे आप सैलेड ड्रेसिंग के हिसाब से यूज करें, सैलेड में डाल के, जैसे हम प्याज में डाल के लेते हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे। एंड कई लोग उसे स्ट्रॉ से भी पीते हैं। एंड इट हैज बीन ऑल्सो रिपोर्टेड कि विनेगर इस तरह से एक्स्ट्रा अमाउंट लेने से पोटेशियम लेवल्स लो हो सकते हैं, या जिसके लो है उसके वर्स हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऐसे लोगों के लिए जो ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं या डायूरेटिक मेडिसिन ले रहे हैं, ऐसी जो अपने आप में पोटेशियम लेवल्स कम करती हैं। तो वो पोटेशियम लेवल कम प्लस ये और पोटेशियम लेवल कम ज्यादा कम हो जा सकता है, वो एक रिस्क है। सो इट्स नॉट रिस्क फ्री। देन इट कैन ऑल्टर योर इंसुलिन लेवल्स ऑल्सो, और डायबिटीज में भी आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा विनेगर लेने से आपकी शुगर लो हो सकती है। एक बेटर भी चीज है, प्रॉपरली यूज करना जरूरी है। एंड कीप इन माइंड, अगर आप वजन कम करना चाह रहे हो तो केवल एप्पल साइडर विनेगर को अपने डाइट में ऐड करने से काम नहीं होगा। हेल्प मिल सकती है डाइजेशन में, कुछ लोगों को उससे एसिडिटी हो सकती है, कुछ लोगों को उससे ब्लोटिंग हो सकती है, कुछ लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इसकी लेकिन जितनी ट्रेंडिंग है, जितना लोग उसके पीछे भागते हैं, जितना इसे प्रमोट करते हैं, इतना खतरनाक नहीं है। पहले भी हमने इस पर वीडियो बना के आपको समझाया है कि यस, इसका इफेक्ट होता है, माइनर इफेक्ट होता है, हेल्प करता है, बट देन इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ कैलोरी डेफिसिट, डाइटिंग एंड एक्सरसाइज। इट्स नॉट अ डेफिसिट रिप्लेसमेंट ऑफ दैट, बट पॉपुलर डाइट बोलती रहती है उल्टी सीधी चीजें और आपके स्केप्टिसिज्म बढ़ते जाते हैं, तो इसीलिए कुछ रिसर्चेस आपके सामने पेश करना जरूरी था। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया, मजा आया, पसंद आया। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब तक आपने नहीं किया है, और सब्सक्राइब के बटन के साथ वो बेल का आइकन भी दबाना है, जिससे आपको सारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। ऑलराइट, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।